आप सब लोग जानते हो कि वर्ष 2024 पुलिस के लिए कई मामलों में चैलेंजिंग ईयर है। हम सारे लोग अपना राष्ट्रीय पर्व मना चुके हैं। आज 30 तारीख हो गया, हम मान के चलो ये जनवरी का महीना खत्म हो गया। अब उसके बाद जो फरवरी है, ये एक महीना आपके लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। नंबर एक, वही फरवरी का एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें आपको, जहां एक तरफ आगामी जो लोकसभा निर्वाचन होगा उसके लिए तैयार, या कुछ लकड़ी उसके पहले के अभियोग विवेचनाधीन हो, उसमें वरीयता के आधार पर उन मुकदमों को निस्तारित करना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर लगभग 2-3 महीने का समय पूरा का पूरा विवेचना का त्वरित निस्तारण, समयबद्ध निस्तारण करने में दो स्थिति बनती है। एक तो वो विवेचनाएं, वो अपराध, इस टाइप का अपराध का पंजीकरण थाने पे होता है जिसमें पूरी की पूरी डिस्पोजल का एक स्टेक होल्डर होता है, वो पुलिस होती है। उसमें न किसी से कोई किसी तरीके की तनकी रिपोर्ट लेनी रहती है, न अभियोजन स्वीकृति लेनी रहती है, न माल का परीक्षण परिणाम प्राप्त करना रहता है, कोई उसमें दूसरा स्टेक होल्डर नहीं होता है, सिर्फ पुलिस ही होती है। पुलिस ही उस अभियोग का पंजीकरण करने से लेकर के साक्ष संकलन के उपरांत उसका निस्तारण करती है। तो वो तो आपके हाथ में है, आप अगर उसमें प्रयास करोगे तो जल्दी से जल्दी सारा निस्तारण कर दोगे। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि कुछ ऐसे अभियोगों का पंजीकरण होता है जिसमें पंजीकरण के उपरांत उस विवेचना का विधिक निस्तारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे स्टेक होल्डर से एक सर्टिफिकेट न मिल जाए। आप लोग समझ पा रहे हो, मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे आपने आबकारी अधिनियम में मुकदमा लिखा, आपने शस्त्र अधिनियम में मुकदमा लिखा, आपने नारकोटिक्स का मुकदमा लिखा, आपने, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वो मुकदमे जिसमें किसी ने किसी दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसमें चाहे परीक्षण परिणाम हो, तनकी हो, अभियोजन स्वीकृति हो, एफएसएल आपसे रूबरू होकर चुकी, थाना थाना जा करके आपके बीट पुलिस अधिकारियों से, आपके कार्यालय में जो कार्य सरकार करने वाले कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं उनसे, या आपके थाने के ग्राम प्रहरियों से, या आपके थाना प्रभारियों से अलग अलग अवसर पर मैंने बात की, पुलिस को क्या करना है, शासन की क्या अपेक्षा है, उच्च अधिकारियों के क्या परिपत्र हैं, इसके विषय में